हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं मेरे टॉप 5 ब्राइडल काजल्स के बारे में बताने वाली हूँ। एंड ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है बहुत लॉन्ग टाइम से। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर सभी काजलों के जितने भी काजल मैंने यूज़ किए हैं उनके इंडिविजुअल रिव्यू किए हैं, या जितने भी काजल मैं इस्तेमाल करती आई हूँ और जितने कुछ के मैंने कंपैरिजन वीडियोस भी डाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो ऐसे 5 ब्राइडल काजल कौन से हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकती हैं और अपने वेडिंग डे को स्पेशल बना सकती हैं। इनमें से 5ों में से आप कोई भी काजल चूज कर सकती हैं अपने लिए। और अब मैं आपको पहला काजल दिखा देती हूँ। तो पहला जो मेरा मोस्ट फेवरेट काजल है ये है कलबार जस्ट अ स्मोकी आई काजल, एंड ये है 675 रुपीज का। और इसमें कई सारे शेड आते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ ब्लैक काजल ही दिखा रही हूँ ब्राइडल मेकअप के लिए। इन 5ों ब्लैक काजल से आप अपने स्मोकी आई लुक को भी क्रिएट कर सकती हैं, एज अ आई लाइनर भी इन्हें अपने वेडिंग डे पर इस्तेमाल कर सकती हैं, इंटेंस जेड ब्लैक आई लाइनर, तो कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और एक चीज अच्छी है, ये स्मजर के साथ आता है। एंड सॉरी, मैं इसको भी ट्राई कर रही थी, ये पहले से ही मैंने यहाँ पर लगा रखा है। सो मैं आपको फिर से इसको साइड में यहाँ लगा करके एक बार दिखा देती हूँ। दिस इज द काजल। इसके 2-3 कोट मैंने आपको दिखा दिए, बिल्कुल इंटेंस ब्लैक है और स्मजर के साथ आता है, तो आप इसे इस तरीके से स्मज करके स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकती हैं। बहुत ही ईजीली ये स्मज हो जाएगा। और 1.2 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है एंड ये डर्मेटोलॉजिकली ऑप्थल्मोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबेन फ्री है, आईज के लिए फुल्ली सेफ है, 100% वेगन है। ये जो कलबार है वो उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो दोस्तों ये फुल्ली सेफ है आईज के लिए। इनफैक्ट इसे वो लोग भी वियर कर सकती हैं जिनके कॉन्टैक्ट लेंसेज लगे हुए हैं या लगाती हैं, या चश्मा बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करती हैं। अगला जो मेरा काजल है ब्राइड्स के लिए वो है मेरा मोस्ट फेवरेट अगेन, एंड दिस इज प्लम नेचर स्टूडियो ऑल डे वियर काजल। ये एक कोल काजल है एंड इसमें स्मजर नहीं आता है। ये 495 रुपीज का है, यू कैन सी द टेक्सचर, दिस इज 495 रुपीज ओनली। और ये भी एकदम जेड ब्लैक है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी चीज ये है इन दोनों काजल की कि इन दोनों काजल के साथ अलग अलग शार्पनर आता है। ये कलबार के साथ आता है एंड कभी कभी, और ये प्लम के साथ तो आता ही आता है, प्लम का जो शार्पनर है। और कलबार का शार्पनर आपको 175 रुपीज का अलग से भी परचेज करना पड़ सकता है अगर ऑफर नहीं है तो दोस्तों। और प्लम का जो काजल है इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी भी 1.2 ग्राम है। मोस्टली जो काजल होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी होती है वो 1.2 ग्राम ही होती है। एंड ये ना फुल्ली सेफ है, पैराबेन फ्री है और क्रूअल्टी फ्री है और मिनरल ऑयल फ्री है, एंड इसमें ना कोई केमिकल नहीं है, 100% हर्बल है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और आप कह सकते हो हाँ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑप्थल्मोलॉजिकली टेस्टेड है। एंड प्लम जो है वो बहुत अच्छा ब्रांड है जो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट देता है आपके लिए, तो ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। और इंटेंस जेड ब्लैक काजल है ये भी, बट ये स्मजर के साथ नहीं आता है। और तीसरा जो काजल है वो है नायका आई एम स्मोकी काजल, ब्लैक स्मोक 001, और इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो भी 1.2 ग्राम है। दोस्तों सभी काजल की ऐसा इतनी ही होती है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो है 495 रुपीज, एंड इन सभी काजल की शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट 2 ईयर्स है। अब मैं आपको दिखा दूं, ये भी एक अच्छे से स्मजर के साथ आता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इन सभी से इंटेंस ब्लैक है जितने मैंने अभी तक आपको दिखाए, कलबार एंड प्लम, और कुछ कुछ कलबार जैसा जेड ब्लैक इसका शेड है, लेकिन इसका शेड ही एकदम अलग है बिकॉज ये ना स्मोकी आईज लुक क्रिएट करने के लिए है। और ये जेल बेस्ड काजल है, स्पेशली आपको जब आईलाइनर लगाना हो तो आप इनसे आईलाइनर लगाइए, अगर आपको स्मोकी आई लुक क्रिएट करना हो तो आप स्मजर से इस तरीके से लिटिल बिट ऐसे स्मज करके और आप जो है स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैं बताऊं ना, उसको ना आप 1 मिनट का टाइम दीजिएगा सेट होने के लिए स्मज करने के बाद,
ताकि आपका जो आईलाइनर है वो सेट हो जाए, आपका जो काजल है वो प्रॉपर वर्क करे। उसके बाद ये वाटरप्रूफ हो जाते हैं, फिर ये पानी से भी नहीं हटते। आपको इन्हें हटाने के लिए मेकअप रिमूवर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज फेस्टिवल्स में इस्तेमाल करें ब्राइड्स, या एवरीडे में, या फिर वेडिंग डे पर, सब जगह ये काजल एकदम रॉक करने वाले हैं। और अब मैं आपको दिखाने, हाँ ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑप्थल्मोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबेन फ्री है, क्रूअल्टी फ्री है, जो नायका का काजल है। अब जो चौथा ब्राइडल काजल है वो है फेसेस का अल्टिम प्रो इंटेंस जेल काजल, दिस इज फेसेस कैनेडा। एंड ये काजल भी 549 रुपीस का है, जी हाँ अफोर्डेबल काजल है कहीं ना कहीं ब्राइड्स के लिए। और इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है मैं आपको बता दूँ, वो भी बिल्कुल सेम है 1.2 ग्राम, और ये भी बहुत ही बढ़िया स्मजर के साथ आता है। इसका स्मजर थोड़ा सा थिक है, मोटा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड अब मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा देती हूँ दोस्तों। इन सब में सबसे ज्यादा ब्लैकिश जो ये काजल है, और ये आप देख रहे हैं फेसेस का ही शार्पनर है, इससे मैं ये शार्प कर ले रही हूँ। ये शार्पनर बिल्कुल फ्री मिला है मुझे इसके साथ। एंड अब मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा देती हूँ। इससे ज्यादा डार्केस्ट काजल मेरे पास अब तक नहीं है, आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे फर्क। एंड प्राइस वाइज सबसे कम है, लेकिन इसकी जो क्वालिटीज है वो बहुत बेस्ट है। और ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑप्थल्मोलॉजिकली टेस्टेड है, और ये आइज के लिए फुल्ली सेफ है, 2 इयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। एंड ब्राइड्स के लिए इन पांचों काजल में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंड बेस्ट काजल है, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको पांचवा ब्राइडल काजल दिखा देती हूँ, जो कि है लैक्मे एब्सोल्यूट कोल अल्टीमेट काजल, एंड दिस इज द काजल। जी हाँ, ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं, ये 3-4 कोट मैंने इसके अप्लाई किए हैं, और इसके साथ ये रबर का स्मजर आता है, और इसका कैप भी आता है, वो मुझसे अभी मिस हो गया है, मिल नहीं रहा, तो मैं आपको इससे हल्का सा स्मज करके दिखा देती हूँ। बट इन पांचों ब्राइडल काजल में इसकी भी प्रोडक्ट क्वांटिटी 1.2 ग्राम है, और ये जो कोल है ये भी आपको वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ, एंड यू नो एक मॉइस्चराइजिंग क्रीमी फॉर्मूला के साथ आता है, सुपर लॉन्ग वियर है। लेकिन एज सच आप मुझे पूछोगे कि अगर ये पांच ब्राइडल काजल है, इनमें से आप कौन कौन सा रिकमेंड करेंगी, तो मैं आपको सिर्फ 3 काजल सबसे पहले रिकमेंड करूंगी, और वो काजल है कलबार का, प्लम का, एंड फेसेस का। ये 3 काजल मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, और मैं बोलूंगी आपको कि अगर आपकी वेडिंग होने वाली है तो आप अपने लिए एक अच्छा वेडिंग डे पर एक बढ़िया काजल चूज करना चाह रही होंगी, जो कि एकदम जेड ब्लैक लुक दे आपको, तो डेफिनेटली आप फेसेस के साथ जाइए। इसमें स्मजर भी है, आप इससे स्मोकी आई लुक भी क्रिएट कर सकती हैं, और बहुत ही ज्यादा इंटेंस रिच ब्लैक लुक देता है। इन सब में आपको सबसे ज्यादा काला काजल कौन सा लग रहा होगा, ये वाला ना, सेकेंड नंबर पे ये फेसेस काजल है, जो कि मैंने अभी इसका स्वैश दिखाया आपको। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल रारा। और ब्राइड्स को मैं उनकी आने वाली लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, जो वुड बी ब्राइड्स हैं। एंड अगर आपको अपने वेडिंग डे के लिए मेकअप या फिर ब्राइडल किट से रिलेटेड कोई और वीडियोज भी देखनी हो, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकती हैं। ब्राइडल मेकअप किट की वीडियोज आपको बहुत हेल्प करेंगी, आई एम श्योर। एंड मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई है जो स्पेशली ब्राइड्स प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने वेडिंग डे पर एकदम चमचमाती हुई दिख सकती हैं, बहुत ही आपका लुक जो है वो बहुत बढ़िया लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप मेरे अनदर चैनल रारा लाइफस्टाइल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और उस पर मैं अपनी और फेरी की वीडियो डालती हूँ, एंड आजकल मैं अपने एथनिक ड्रेसेस वहां पर दिखा रही हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, और इसी तरीके से आप मेरा सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय दोस्तों। और ये पांचों के पांचों जो ब्राइडल काजल हैं वो आप जरूर इस्तेमाल करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। वेडिंग डे पर आपको एज सच प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी कि आप कौन सा काजल वियर करें, अफोर्डेबल भी हो और इंटेंस ब्लैक भी हो एंड बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, और ये पांचों वाटरप्रूफ हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।